नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स। और मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्किन केयर रेमेडी लेके आई हूँ, मीन्स फेशियल लेके आई हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है, जी हाँ रक्षाबंधन आ रहा है, तो हर किसी को सुंदर दिखना ही है। तो इसके लिए मैं फेशियल किट लेके आई हूँ, जो घरेलू चीज़ों से ही मैं करने वाली हूँ, होममेड चीज़ों से ही करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ों से मैंने फेशियल अपना आज किया है। और आप देख सकते हैं फेशियल करने के बाद ही मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया है चेहरा और काफ़ी अच्छा ग्लो आया है फेस पे। मुझे तो काफ़ी अच्छा मतलब बहुत ही क्लीन हो गया है चेहरा मेरा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी मेरी भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और बहुत अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का फेशियल की कैसे करना है, और काफ़ी यूज़फुल और टिप्सफुल चीज़ें मैंने उसमें बताई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बनाना फेशियल करने वाले हैं आज। हाँ जी हाँ, बनाना फेशियल। और बनाना फेशियल मतलब फेस पैक या बनाना हम अपने चेहरे पे यूज़ करते हैं, केला जैसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो केला अगर हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पहला स्टेप मैं लेने वाली हूँ बनाना, जिसे मैं अच्छे से मैश कर ली हूँ। या तो आप चाहे तो इसे पीस के भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप मैश करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं दूध डालने वाली हूँ। दूध जैसे कि हमारे चेहरे पे क्लींजिंग का बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है फेशियल का। तो हम फेशियल करने से पहले मैं अपने कपड़े पे टॉवल रख रही हूँ, या फिर आपके पास कोई ख़राब कपड़ा होगा तो आप रख सकते हैं, जिससे कि बहुत ही मैसी होता है ये फेशियल। इसके लिए तो गिरेंगे तो हमारे कपड़े पे बिल्कुल ही दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। तो चलिए हम मतलब फर्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लिंजिंग। तो फर्स्ट ऑफ क्लिंजिंग हम कर लेते हैं फेस पर। तो इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से हमें मसाज करना है क्लींजिंग का अच्छे से। तो मैंने स्पीड में किया हुआ है वीडियो। तो क्लींजिंग से हमारा चेहरा एकदम ही क्लीन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है फेशियल का। और बनाना जैसे कि फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि बनाना में पोटेशियम होता है, जिससे कि हमारे स्किन को हम पोषण दे सकते हैं। उसे भी बहुत ज़रूरी होता है पोषण देना। और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बनाना बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि उसको वो नमी देता है। और इसमें जिंक और लैक्टिन होता है, जैसे कि एक्ने से और पिम्पल से लड़ने में हमारी मदद करता है, जैसे पिम्पल्स को आने में रोकने में मदद करता है। और जैसे कि बनाना में अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड जो एंटी एजिंग का भी काम होता है, और ये इससे भरपूर मतलब एंटी एजिंग से गुण से भरपूर होता है ये। तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे स्किन के लिए बनाना। तो इसे कम से कम मैंने आज बनाना फेशियल ही किया है, तो सब चीज़ों में मैंने बनाना यूज़ किया है। तो इसे मैं इस क्लींजिंग को कम से कम मैं 3 से 4 मिनट करूँगी इस तरीके से। तो मैंने क्लींजिंग को रिमूव नहीं किया है, और मैंने यहाँ पे मैश जैसे कि क्लींजिंग का जो बचा हुआ था बनाना और दूध, उसी में ही मैं ऐड करूँगी मसूर की दाल। आप देख सकते हैं जो ऑरेंज वाली मसूर की दाल होती है, उसका पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। तो मसूर की दाल भी बहुत यूज़फुल होती है। तो मैंने कुछ वीडियो में मसूर की दाल का भी रिव्यू डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। और इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और उसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। तो कम से कम मैं इसे भी 2-3 मिनट में करने वाली हूँ अच्छे से स्टेप बाय मसाज अपने फेस पे। तो हमें हल्के हाथों से ही इसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। तो स्क्रब हो जाएगा तो मैं फेस को वॉश कर लूँगी अच्छे से, ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से ही हमें वॉश करना है अपना फेस पूरा। तो मैंने स्क्रब कर लिया और अपना फेस वॉश कर लिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो अब मैं थर्ड स्टेप यूज़ करूँगी, जो होता है क्रीम। तो क्रीम के लिए मैंने बनाना वापस से मैश कर लिया है,
और मैं सेकेंड डालने वाली हूँ इसमें दूध की मलाई। दूध की मलाई बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, जिससे ये नेचुरल ग्लो देगा हमें और हमारे स्किन को, स्किन का पीएच बैलेंस रखेगा। और थर्ड मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे हनी। हनी भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, एक नेचुरल ग्लो देने का काम करता है। इसके लिए मैं इसे क्रीम में ऐड कर रही हूँ। तो थर्ड स्टेप हमारा क्रीम है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने आधा आधा चम्मच डाला है, मलाई और हनी दोनों आधा आधा चम्मच डाला है। और मैंने बनाना जो मैश किया था वो 1 चम्मच है, तो इस तरीके से मैंने ऐड किया है सारी चीज़ें। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चौथा मैं डालने वाली हूँ जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, जो मैंने मतलब घर में ही मतलब मैंने सुखाया है उसे, तो मैं उसे डालने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैंने उसे मैश कर लिया था, फिर उसे मैं ऐड कर रही हूँ गुलाब की पंखुड़ियों को। तो अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे क्रीम के लिए। तो चलिए अभी इस तरीके से मैं मसाज करूँगी इसे, कम से कम 10 मिनट में मैं मसाज करने वाली हूँ अपने फेस पे। तो मसाज का स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है मैं फेस के लिए, तो इस स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये मसाज के स्टेप्स हैं, और स्टेप से आप करेंगे तो आपके फेस पे ज़रूर ग्लो आएगा। जैसे कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं मसाज के इस तरीके से, तो उस तरीके से हमें फेशियल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं जैसा कर रही हूँ तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, तो अच्छा ग्लो आएगा हमारे स्किन पे। और इस तरीके से हम करते हैं फेशियल ऊपर की तरफ, तो हमारा स्किन भी टाइट करने का ये काम करता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग के भी प्रॉपर्टीज़ हैं बनाना में। तो इस तरीके से हम कभी भी फेशियल करें तो ऊपर की तरफ करें, जिससे कि हमारी स्किन लूज़ मतलब अगर नीचर की तरफ से करेंगे तो स्किन लूज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे जाके, बट ऊपर की तरफ करेंगे तो स्किन टाइट करने का ये काम करता है। तो इस तरीके से हम ऊपर की तरफ फेशियल करेंगे, और इसके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से मैं 10 मिनट इसे मैं मसाज करने वाली हूँ, और मसाज करने के बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी अपना। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है क्रीम के बाद, और मैं इसमें ऐड करूँगी जैसे कि मैंने बनाना मैश कर लिया था उसके बाद में मैं कुछ वापस से गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उसे मैं ऐड करने वाली हूँ। और थर्ड इसमें डालने वाली हूँ आंबा हल्दी। जी हाँ, किचन का हल्दी मत यूज़ कीजिएगा, आंबा हल्दी या तो कस्तूरी हल्दी भी मार्केट में मिल जाती है, आप उसे यूज़ कीजिएगा। तो मैं चुटकी भर इसे ऐड करने वाली हूँ आंबा हल्दी को, तो 2 चुटकी मैं ऐड करने वाली हूँ आंबा हल्दी।
अम्बा हल्दी स्किन के लिए बहुत ही ठंडक होता है, और इसमें भी एक्ने से बचने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो अम्बा हल्दी बहुत ही अच्छा है एक्ने को दूर करने का। और मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ इसके बाद एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल, जैसे कि सनबर्न हो गया, बहुत सारी चीज़ों से एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। एक्ने, पिंपल, सनबर्न, मॉइस्चराइजिंग, सब चीज़ों का ये काम करता है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में बनाया हुआ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर मार्केट का है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, मेरे पास पाउडर नहीं था, मेरे पास जैसे कि बड़े बड़े थे तो उसे मैंने भिगो के रखा था, तो इस तरीके से मैं 1 चम्मच यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ऐड करी, जो पैक के लिए मैं ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी इज़ बेस्ट ऑफ ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से अभी मैं हाथों से इसे अप्लाई कर लूँगी रेडी होने के बाद पैक। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने रेडी कर लिया था पैक, और मैं हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि कुछ पैक ब्रश से नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी पैक को। तो देखिए, पैक अप्लाई हो चुका है और मैं इसे रखने वाली हूँ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गया है। तो पहले मैंने लिप बाम यूज़ किया है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो ये मैंने नाइट में यूज़ किया है फेशियल, और उसके बाद मैं ऐड अपने फेस पे लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल लास्ट में, जो सीरम का भी काम करेगा हमारा। तो एलोवेरा जेल मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, तो और थोड़ा सा मैं इसे मसाज कर लूँगी। तो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, चेहरे काफ़ी क्लीन हो गया, और कुछ टाइम के बाद ग्लो ज़रूर आता है। कितने लोगों की स्किन पे बहुत ही जल्दी ग्लो आ जाता है, कितने लोगों के लेट आता है, तो थोड़े टाइम के बाद ग्लो बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बनाना फेशियल, और मुझे रिव्यू आप ज़रूर बताइएगा। और ये हर टाइप स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल स्किन, सब स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फेस पे। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा ये लगा बनाना फेशियल, और कुछ टिप्सफुल चीज़ें लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ।